जय भोले बाबा जी की। जय भोले बाबा जी की। सर मैं पिछले साल श्री अमरनाथ जी की यात्रा करके आई थी और इस बार मैं सोच रही हूँ कि मैं श्रीखंड महादेव जी और केन्या कैलाशी की यात्रा के लिए जाऊँ। तो क्या श्री अमरनाथ जी की यात्रा से ज्यादा मुश्किल है श्रीखंड महादेव जी और श्री केन्या कैलाशी की यात्रा? मुश्किल है। जैसे कि मैं ट्रैक की बात करूं तो बताया जाता है सबसे टफेस्ट ट्रैक श्रीखंड महादेव जी का है, क्योंकि बाबा अमरनाथ जी की यात्रा में आपको रास्ते में वॉशरूम, भंडारे, मेडिकल सुविधाएं मिलती रहती हैं बाबा जी गुफा तक। लेकिन श्रीखंड महादेव जी में ऐसा नहीं है। एक तो कैंप भी काफी दूर दूर है, जैसे पार्वती बाग में है, तो उसके बाद भीम द्वार में है, उसके बाद नीचा की है, काली घाटी में है, तो ऐसे काफी दूर दूर कैंप हैं। दूसरी बात क्या है कि यात्रा बहुत कम दिन पे चलती है और हाइट पे ज्यादा है, तो रास्ते भी नहीं बने हुए ऐसे, मतलब नॉर्मल रास्ते बने हुए हैं निशान लगा के, और उन्हीं से यात्रा होती है और यात्री बहुत कम होते हैं। तो बाबा अमरनाथ जी से जो मुश्किल है, अगर देखा जाए तो मुश्किल नहीं, काफी मुश्किल है क्योंकि ट्रैक भी काफी लंबा है। पर हाँ, अच्छी बात यह है कि रास्ते में आप कहीं कहीं रुक के आराम से जा सकते हैं। ऐसा कोई टारगेट नहीं है कि आपको एक दिन में वापस आना है, और आराम से रहते हैं। ऑक्सीजन का लेवल भी ऊपर जाके काफी कम हो जाता है, तो मुश्किल तो है लेकिन इतनी मुश्किल नहीं है। भोले बाबा जी का आशीर्वाद हो तो यात्रा हो जाती है। पर आपने पूछा दोनों में से, तो मुश्किल है। ठीक है जी, ठीक जय भोले बाबा जी की, ठीक है जी, ओके जी। जय भोले बाबा।